अनुभोज जी के बारे में अशब्द बोला है, हम मगन विधायक बने थे नहीं। अब एक तो भैया निकाय चुनाव में भाग्य प्रत्याशियों का समर्थन करते रहे पूर्व विधायक राम गन्नावत जी, और अब अगर अरविंद सिंह गोप के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब देखो भैया, संतोष रावत क्या बोल रहे थे, बहुत कायदे की फजीहत कर रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके राम गन्नावत को जवाब दे रहे थे कि पहला चुनाव किसके दम पर जीते थे, अरविंद सिंह गोप के दम पर जीते थे, आप अगर उन्हें खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब तक सुनो भैया, स्वर्गीय राम दुलारे रावत जी के पुत्र संतोष रावत क्या बोल रहे थे, बहुत भैया नाराज दिख रहे थे और बिल्कुल राम गन्नावत भड़के हुए थे। सुनो। नमस्कार सर, हमारा नाम संतोष कुमार रावत है, हम स्वर्गीय मास्टर राम दुलारे रावत जी के बेटे हैं, जो पासी समाज में, जिले में व प्रदेश में एक पहचानी हुई हस्ती। कल के बयान में राम मगन पूर्व विधायक हैदरगढ़ के माननीय अरविंद कुमार सिंह गोप जी के बारे में अशब्द बोला है, इसी पे मैं कुछ टिप्पणी बोलना चाहता हूँ। पहली बार विधायक ये अरविंद सिंह गोप जी की देन है कि जो राम मगन विधायक बने थे नहीं। आदरणीय श्री राम सागर रावत जी जो अपनी बहू के बारे में अखिलेश जी से टिकट के बारे में कह रहे थे, इनके परिवार में ही नहीं बनती है तो ये समाज में क्या काम करेंगे, आज तक इन्होंने समाज में क्या काम किया है, इन्होंने समाज का शोषण किया है। हम लोगों ने वहाँ पे दौड़ा भी किया, क्षेत्र में भी गए, हम लोगों ने पता चला राष्ट्रीय नेतृत्व व प्रदेश के नेतृत्व में विरोध में इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी उतार दिया, अखिलेश जी व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी का अपमान किया। इन्होंने बोला कि सिद्धौर में मौजूदा चेयरमैन को टिकट ना देके वहाँ पे दूसरे कैंडिडेट, वहाँ पे अरविंद सिंह गोप जी का कोई मामला नहीं था, वहाँ पे गौरव रावत ने वहाँ पे प्रत्याशी अपना उतारा था। पर संतोष रावत की बात सुनी आपने भैया, अरविंद सिंह गोप के खिलाफ एको बगदा अमर्यादित शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे और करारा जवाब देने में आगे थे। अब भैया बताओ, स्वर्गीय राम दुलार रावत जी के लड़का है संतोष रावत और रामगन रावत को जवाब दे रहे थे कि बताइए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, एक तो भैया पार्टी के खिलाफ जाएंगे, बागी प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे और उसके बाद अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिलहाल आपकी कार्यक्रम किसी का वीडियो शेखना कदम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती हमने कदम आपको सुना देगा।